नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। दिल्ली पर एनसीआर में सुबह से ही वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है। दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देर रात पटाखों के जलने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में आ गया है, जो रात होने के साथ पटाखों के धुएं से और बिगड़ता गया। मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान के मुताबिक दिवाली की रात 12 बजे दिल्ली का EQI 323 दर्ज किया गया। वहीं यूपी के नोएडा का इससे भी बुरा हाल है, यहां EQI 344 दर्ज किया गया है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली यूनिवर्सिटी क्षेत्र की है, यहां EQI 365 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। लोगों को पटाखे जलाने से रोकने के लिए नियम बनाए जाने के बावजूद शाम होते ही दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दिल्ली समेत शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों ने आतिशबाजी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे के लिए आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में दूरदराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को सभी की समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश भी दिया। पुरानी बस्ती थाना के दक्षिण दरवाजा पर स्थित कबाड़ की दुकान में पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर दमकल की दो गाड़ियां आईं। दमकल का पानी खत्म होने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पानी खत्म होने के बाद दमकल की गाड़ियां चली गई, उसके बाद भी आग नहीं बुझी। आग ने और विकराल रूप धारण कर लिया। ऊंची ऊंची आग की लपटों से दहशत का माहौल बन गया। आसपास के घरों के लोग आग का विकराल रूप देखकर घर से बाहर निकल गए। आग लगने की जगह से कुछ दूरी पर ही पेट्रोल पंप और पटाखों की बड़ी दुकान मौजूद है। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। दिवाली पर भीषण आग ने फायर विभाग की तैयारियों की भी पोल खोल दी। पीलीभीत की घनी आबादी वाले इलाके में रंगीलाल चौराहा स्थित एक फूल डेकोरेशन की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने बराबर में बनी स्पेयर पार्ट की दुकान को भी अपनी जद में ले लिया। बताया जा रहा है रंगीलाल चौराहे पर राजू फ्लावर डेकोरेशन की दुकान है। यहां शाम को पूजा करने के बाद दिया जलता छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आग लगने की बात कही जा रही है। क्योंकि घनी आबादी और कई दुकानें हैं, इससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि बुझने का नाम नहीं ले रही थी। फिलहाल स्थिति लोगों ने पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग को लगातार आग बुझाने में जुटने की कोशिश की है। तकरीबन 45 मिनट के बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। अलीगढ़ के टपल स्थित गांव मानपुर रसूलपुर में देर रात फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि अवैध संबंध के चलते 24 साल के फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर आरोपी फरार है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी है। थाना टप्पल के ग्राम रसूलपुर से कल देर शाम एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। वहां पर श्री जगत सिंह द्वारा एक तहरीर प्रस्तुत की गई, जिसमें उन्होंने यह बताया कि उनके पुत्र के विजयपाल की पत्नी नीलम के साथ उनके बेटे बेकन के प्रेम संबंध थे, जिस कारण उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में इन्होंने अवगत कराया कि जब ये अपनी कार से एक जगह से लौट रहे थे तो जो आरोपी पक्ष हैं उनके द्वारा उनको घेर लिया गया और गोली मार के उनके 24 वर्षीय पुत्र बीकन की हत्या कर दी गई। इनके द्वारा गांव के ही बबलू, विजयपाल, सोनू, रवि, दीपक, छोटू, वेद प्रधान और प्रताप, इनके विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की गई है। उपरोक्त संबंध में तत्काल टीमें गठित की गई हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। पंचायतनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई अभी प्रचलित है। उपरोक्त संबंध में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश दिए गए हैं और कठोर दंडात्मक कार्रवाई के भी आदेश दे दिए गए हैं। और अब खबर फिरोजाबाद के थाना टोला क्षेत्र से, जहां शाम को टोला क्षेत्र के गांव बन्ना स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में फिरोजाबाद SP आशीष तिवारी और SP सिटी सर्वेश कुमार मिश्र अपने दलबल के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां पुलिसकर्मियों ने वृद्धाश्रम में मोमबत्ती जलाकर उसको रोशन किया। वहीं SSP और SP सिटी ने वृद्धाश्रम में मौजूदा वृद्ध महिलाओं और पुरुषों को दिवाली के मौके पर मिठाई और फल बांटे। इस मौके पर SSP ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं मृत महिलाओं और पुरुषों ने SSP सहित सभी पुलिसकर्मियों को आशीर्वाद दिया, जिसके बाद आशीष तिवारी ने बुजुर्गों के साथ रोशनी जलाकर दिवाली मनाई। उन्होंने कहा कि समाज
में सकारात्मक संदेश देने की एक अच्छी पहल है। सभी को अपने बुजुर्ग माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ वृद्धाश्रम में वृद्धों के साथ दिवाली मनाकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। फिरोजाबाद पुलिस पुलिस हमेशा जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। इसी को देखते हुए आज दिवाली हमारे द्वारा यहाँ पर वृद्धाश्रम में मनाई गई है, जहाँ पर कई वृद्ध लोग जो अकेले रहते हैं उनको आज दिवाली की खुशी में कोई अकेला न छूटे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आज सभी पुलिस जो हमारे एस पी सिटी साहब हैं, सी ओ सिटी हैं, सी ओ टुंडला हैं, और इसके अलावा जो हमारे एस ओ टुंडला हैं, सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर दिवाली मनाई है। निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, समाज में एक सकारात्मक संदेश देती है कि हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो हमारे माता पिता हैं, सभी लोगों का हम लोगों को आदर करना चाहिए और उनके साथ में दुख में लगातार साथ देना चाहिए। गोलियों की गड़गड़ाहट से एक बार फिर काशीपुर गूंज उठा। जहां एक युवक को कुछ बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की पकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। दूसरी ओर पीड़ित परिवार का आरोप है कि 4 दिन पहले युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसकी शिकायत आना चौकी क्षेत्र में भी की गई, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।